वेलकम एवरीवन, मैं हूँ उमा गाइड। हम सभी लोगों ने टर्टल और रैबिट की स्टोरी तो बहुत बार सुनी है, इसी के साथ में हमने कई बार टर्टल को देखा भी है। लेकिन कैसा हो कि जब हम सभी को एक सी टर्टल की स्टोरी के बारे में पता चले कि आखिर उनके सामने क्या क्या मुश्किलें आती है और वह पानी के अंदर कैसे रहते हैं। तो चलिए फिर आज हम सभी पानी में रहने वाले सी टर्टल की स्टोरी सुनते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो टर्टल दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक टर्टल का नाम सैमी था और वह इसलिए बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज वह ग्रैंडफादर बनने वाला था। जिसके बाद सैमी अपनी खुद की कहानी बताता है कि आज से 50 साल पहले वो खुद भी यही पैदा हुआ था। उस वक्त यहाँ पे ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान था। सैमी के साथ उसके और भी बहुत सारे भाई बहन थे जो कि सब अंडों को तोड़ के पानी के पास तक जाने लगते हैं। लेकिन सैमी ऊपर नहीं पहुँच पाता। काफी कोशिशों के बाद में भी वो बार बार नीचे गिर जाता था। जब सैमी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, इसी समय एक बर्ड आता है जो कि उसे अपनी चोंच में फंसा के लेके जाने लगता है। उससे निकलने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार नीचे गिर ही जाता है। कुछ ही देर में मिंग से एक टर्टल मिलती है जिसका नाम शेली था। शेली कहती है सैमी को कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। लेकिन सैमी का जस्ट अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था तो वो आगे तक चल भी नहीं पा रहा था। शेली को भी उसके फ्रेंड्स अपने साथ ले जाते हैं। सैमी की जब रात में नींद खुलती है तो वो एक बुरे सपने के कारण खुलती है और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो बिल्कुल अकेला था। काफी तेज लहरों के कारण सैमी पानी के अंदर पहुँच जाता है। हालांकि वो लकड़ियों के ऊपर ही था और पूरी रात वो पानी के ऊपर ही रहता है। अगली सुबह सैमी उठता है और पानी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने तीन बड़े टर्टल डराते हैं जो कि उसे पानी से बहुत ज्यादा डरा देते हैं। इनमें से एक टर्टल सैमी को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस अपने मन की बात सुननी चाहिए। उनके जाने के बाद में सैमी पानी में जाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे एक पुराना फिश आ जाती है जो कि उसे खाने की कोशिश करती है और सैमी सच में डर जाता है और ऊपर चला जाता है। इसी के साथ सीन एक और टर्टल के ऊपर शिफ्ट होता है जिसका नाम रे था। वो भी बिल्कुल अकेला था। वो बाकी टर्टल्स के पास में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टर्टल्स इस टर्टल को अपने साथ लेने से मना कर देते हैं। आगे जाने के बाद मेरे और सैमी दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं जो कि दोनों ही अकेले थे। कुछ ही देर में इनकी दोस्ती हो जाती है। जब इन्हें पता चलता है कि ये दोनों बिल्कुल सेम बीच के ऊपर पैदा हुए थे, एक दूसरे का साथ मिलने से अब इनके पानी के अंदर जाने का डर खत्म हो जाता है। दोनों साथ साथ रहते हैं, बहुत मजे करते हैं, एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। साल निकल गए थे और ये दोनों बड़े हो गए थे। क्यों ना आपस में बात करते हैं कि अब तो हम बड़े हो गए हैं तो क्यों ना हमें अपने अपने पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए। जहाँ पे सैमी बताता है कि आज से सालों पहले उसे एक टर्टल मिली थी जिसका नाम शेली था और वो उसे आज तक भी ढूंढता है। रिको नहीं पता था कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। उसे लगता था कि ये ओशन तो बहुत छोटा है जहाँ पे सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी के कारण वो सैमी को भी यही कहता कि तुमसे शेली एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन जब ये दोनों पानी के अंदर खेल रहे थे तो इन्हें ऑक्टोपस मिलता है। सब साथ साथ खेल ही रहे थे तभी पता चलता है कि ऊपर से वेस्टॉल पानी में गिरना शुरू हो गया था, जिससे कि पानी में रहने वाले इन सारे एनिमल्स को बहुत तकलीफ होती है। सैमी और ये जब बाहर जाते हैं तो इनकी आंखों के सामने इन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जो कि पलट गया था, वो भी ऑयल से भरा हुआ। पहली बार इन्होंने इंसानों को भी देखा था। कुछ ही दिनों बाद चलता है जिस समय ये दोनों सो रहे थे तो इनकी बोट टूट जाती है और दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही पानी के अंदर ये दोनों गिरते हैं तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा जाल आ जाता है, दूसरी तरफ एक और जाल आ जाता है। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग जाल में फंस जाते हैं। कुछ ही देर बाद सैमी को पता चलता है कि वो मछलियों के साथ एक बोट पे आ गया है। सैमी निकलने की कोशिश भी करता है लेकिन वो सामानों के बीच फंस जाता है। सैमी इतनी तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। आदमी उसे उठा के पानी के अंदर फेंक देता है। पानी में गिरने के बाद भी सैमी बेहोश ही था। इसी समय एक डॉल्फिन आती है जो कि उसे होश मिलाती है। सैमी उसी समय किनारे तक जाने की कोशिश करता है पर पूरे दिन में इतनी ज्यादा चीजें हो गई थी कि वो बेहोश ही था। इसी समय यहाँ एक कपल आता है जो कि उसे अपने साथ ही ले जाता है। नेक्स्ट डे सैमी की आँख खुलती है तो वो इंसानों के बीच में था। उसके सामने एक बच्ची थी और इसी के साथ एक कैट भी थी। साथ ही वो लोग को खाने के लिए भी कुछ देते हैं। चीजें काइट को पसंद नहीं आती, इसी के कारण वो काइट सैमी को डरा देती है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, तो तुम्हें यहाँ किसी एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर आए हैं। रात होने पे जब उस बच्चे की मॉम उसे स्टोरी सुना रही थी तो वो काइट आके सैमी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से भागने वाले कब हो। सैमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। काइट बताती है कि वो भी एक ओशन से ही आई है। तब सैमी को पता चलता है कि इस दुनिया में और भी कई सारे ओशनस हैं। नेक्स्ट डे सैमी को एक और टर्टल से मिलाया जाता है जो कि उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसका नाम वरा था। वरा सैमी को समझाती है कि हम यहाँ पे एक बिजनेस प्रोडक्ट की तरह है, तुम्हें जैसे ही मौका मिले तो यहाँ से भाग जाना। उस पूरे दिन सारे लोग सैमी के साथ में अच्छी तरीके से रह रहे थे, उसके साथ में बहुत खेलते हैं, तो सैमी का माइंडसेट चेंज हो जाता है कि इंसान अच्छे होते हैं। तभी काइट आके वापस से सैमी को कहती है कि आज बस क्रिसमस है, इन लोगों का सेलिब्रेशन
ऑपरेशन है इसलिए उन्होंने तुम्हें आज नहीं मारा, नेक्स्ट डे बरा को यहाँ से छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर। यह बात सैनी को समझ नहीं आती तो काइट आके उसे समझाती है कि वेरा काशिल काफी ज्यादा हार्ड था, वो लोग उसे मार नहीं सकते थे, इसी कारण से उसे छोड़ दिया। तुम तो बहुत सॉफ्ट हो, तुम्हें वो लोग जल्द ही मार देंगे। इसी रात यहाँ पे पुलिस आ जाती है और इन इंसानों को यहाँ से जाना पड़ता है। सैनी मौका दे के यहीं पे रुक जाता है। ये सारे लोग सैनी को बहुत ढूंढते हैं लेकिन फिर भी सैनी छुपा हुआ ही रहता है। कई वक्त गुजर गया था तब भी सैनी यही था और यही की चीजें खाता था। एक दिन हिम्मत करके सैनी पानी के अंदर चला गया। इस जगह पे इतना ज्यादा कचरा था कि एक दिन सैनी के मुंह पे एक प्लास्टिक की थैली आके फंस गई। सैनी बहुत परेशान हो रहा था। उसमें यहाँ पे वरा आ जाती है जो की उसकी जान बचाती है। सैनी वरा से मिलकर बहुत खुश था। वरा अपने साथ में सैनी को पानी की सैर करवाती है, उसे बहुत नीचे तक ले जाती है जहाँ पे उसे सी फूड मिलता है। सैनी ये सारा सी फूड खा के बहुत खुश हो जाता है। सैनी को कुछ से आने लगती है। सैनी जैसे ही आगे जाता है तो पता चलता है कि एक शार्क एक टर्टल के पीछे पड़ी हुई है। सैनी कैसे तैसे करके उसकी जान बचाता है और ये दोनों ही एक छोटी सी गुफा के अंदर छुप जाते हैं और वो शार्क इन्हें नहीं पकड़ पाती। पता चलता है कि ये तो वही टर्टल है जो कि आज से कई सालों पहले सैनी को मिली थी, यानी कि शैली वेरा ने भी उस शार्क को यहाँ से भगा दिया था। शैली भी सैनी को पहचान जाती है और वेरा भी यहाँ से चली जाती है। सैनी को रे की वो बातें याद आने लगती है कि ये ओशन कितना छोटा है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए लेकिन आप अपने लव वन से कभी भी मिल सकते हैं। दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। साथ ही में से यह भी बताता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है। शैली भी एक्साइटेड थी क्योंकि उसे भी दुनिया घूमनी थी। एक बोट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे जहाँ इन्हें काफी सारे वाइट क्रिएचर्स मिलते हैं। इसी के साथ में काफी सारे पिराना फिशेज ने भी इन्हें घेर लिया था। ये दोनों पिराना फिश से बचते उससे पहले एक लाख सैनी को अपने साथ ले जाता है, साथ ही में अपने घोंसले में रख देता है। फॉर्चुनेटली वो पेड़ टूट जाता है और सैनी आगे पानी में गिरता है। एक बार फिर से सैनी और शैली साथ हो जाते हैं। सैनी ने ऊपर नेस्ट पे बैठे बैठे इक्षी को देखा था, इसी के कारण ये दोनों शिप के पास जाने की सोचते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था और ऊपर से नीचे पंप्स भी लगे थे, इसी के कारण शैली और सैनी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सैनी ने शैली को खो दिया था जहाँ पे सैनी एक बूढ़ी टर्टल के कपल को देखता है। ये टर्टल एक और टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके शैल के ऊपर शार्क के दांतों के निशान थे। सैनी को लगता है कि ये जरूर शैली होगी। सैनी बहुत ढूंढता है शैली को लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते वो सीधा इस ओशन तक पहुंच जाता है जहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो बेहोश हो जाता है। इसी समय यहां इंसान आते हैं जो कि सैनी को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं। जैसे ही सैनी लैब के अंदर आता है तो उसके सामने शैली थी। सैनी आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करता है ताकि वो शैली से मिल सके लेकिन कोई भी उसका केज नहीं खोलता। सेमर डे वहां पे सैनी को वही काइट मिलती है जो कि उसे कई सालों पहले मिली थी और वो उस काइट से मदद भी मांगता है यहाँ से भागने के लिए। इसी के साथ में सैनी की वो उनर आती है जो कि आज से कई सालों पहले उसे रखा करती थी। वो लेडी सैनी को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो सैनी है। जिन लोगों के पास में शैली थी वो लोग शैली को पानी में छोड़ देते हैं और सैनी भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये चीज देख के वो लेडी सैनी को नहीं रोकती बल्कि पानी में जाने देती है। सैनी जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो उसे दो टर्टल मदद के लिए कहते हैं कि हमारा एक दोस्त फंसा हुआ है और हमारी मदद करो। सैनी जैसे ही उस जगह जाता है जहाँ पे वो फंसा हुआ टर्टल था तो पता चलता है कि वो तो सैनी का पिछड़ा हुआ दोस्त रे था। अबरे को बाहर निकाल लिया गया था। अपनी वाइफ से सैनी को मिलाता है। सैनी यहाँ पे शैली के बारे में बताता है लेकिन इस समय शैली कहीं इन्हें मिल नहीं रही थी। इसी समय रे की वाइफ बताती है कि उसने शैली को देखा था, वो भी थोड़ी देर पहले ही देखा था, साथ ही में वो यहीं पे रहती है। सैनी जब शैली से मिलने के लिए जाता है तो पता चलता है कि इस समय शैली तो किसी और टर्टल के साथ है और सैनी का दिल टूट जाता है। वो बाहर आ जाता है लेकिन तब रेही और उसकी वाइफ उसे समझाते हैं कि जो टर्टल शैली के साथ में है वो हर किसी टर्टल के साथ में फ्लर्ट करता है बल्कि शैली तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सैनी एक बार फिर से शैली से मिलने के लिए जाने वाला था खुशी खुशी, लेकिन उसी समय एक और शार्क उसके पीछे पड़ जाती है लेकिन इस बार शैली उसे बचा लेती है। आखिरकार ये दोनों मिल ही जाते हैं जिसके बाद से ये दोनों कभी अलग नहीं हुए और सीन 50 साल बाद पहुंच जाता है जहां पे और सैनी दोनों ही ग्रैंडफादर बन गए थे और अपने ग्रैंडसन्स को पानी में जाने के लिए हेल्प कर रहे थे। सैनी को गड्ढे के अंदर एक और छोटा टर्टल मिलता है जो कि उसे खुद की याद दिलाता था। वो उसकी मदद करता है और उसे पानी में जाने देता है। सैनी की मदद के बाद वह टर्टल पानी के अंदर चला जाता है। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को यह टर्टल की जर्नी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।